बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज जो हम डिक्टेशन लिखने वाले हैं, सबसे पहले डिक्टेशन रहेगी 90 WPM की, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 8 मिनट की, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट जो PA का एग्जाम है उसकी 100 WPM 5 मिनट की, और दिल्ली हाई कोर्ट SPA की 5 मिनट की, 550 वर्ड्स। सो बी रेडी फॉर द डिक्टेशन, स्टार्ट। इन द ईयर 2011 दो नॉट अंडर द सेंसस एक्ट 1948 एज ब्रोट आउट बाय द यूनियन पार्लियामेंट अंडर एंट्री 69 ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द मैथोडोलॉजी एंड द फॉल आउट ऑफ द सेम हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय द लर्नड सीनियर काउंसिल विद रेफरेंस टू एनेक्सर P9 ए रिप्लाई एफिडेविट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ए रिट पटिशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द काउंटर एफिडेविट हैज एम्फेसाइज्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अप ए कास्ट वाइज एन्यूमरेशन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स एंड डिसाइडेड टू कैरी आउट ओनली एन एन्यूमरेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नोटिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दैट ऑफ SC एंड ST। इट इज एजर्टेड दैट नो सेंसस वाज कैरिड आउट इन 1951 और इन द सक्सीडिंग 6 सेंसस। पटना हाई कोर्ट CWJC नंबर 5542 ऑफ 2023 डेटेड 1 अगस्त 2023 ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कास्ट ऑफ द सिटीजन। द काउंटर एफिडेविट फर्दर इंडिकेट्स दैट एन्यूमरेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज हैज पोज्ड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इम्पीडिमेंट्स व्हेन सच डेटा वाज कलेक्टेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। द डाटा सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी एंड ए सेंसस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन फाउंड टू बी एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। व्हेन सच ए कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परसीव एंड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोसीड विद सच एन एन्यूमरेशन व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ द सेंटर। स्पेसिफिक रेफरेंस इज मेड टू द जनरल गाइडलाइंस इशूड विच एनेबल द एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कास्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द फैमिली विच अगेन वुड नॉट बी ऑथेंटिक एंड वुड ऑल्सो इम्पिंज अपॉन द पर्सनल चॉइसिस ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ हिज कास्ट स्टेटस। इट इज एम्फेसाइज्ड दैट देर इज नो लॉ ब्रोट आउट बाय द स्टेट टू कलेक्ट सच सेंसिटिव डाटा एंड दैट इन एनी इवेंट देर इज नो कॉम्पिटेंस इन द स्टेट टू कैरी आउट ए कास्ट सेंसस इन द गाइज ऑफ ए सर्वे। इट इज फर्दर एम्फेसाइज्ड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनेबलिंग एफर्मेटिव एक्शन टू दोज मार्जिनलाइज्ड। पटना हाई कोर्ट CWJC
नंबर 5542 ऑफ 2023 डेटेड 1 अगस्त 2023 कम्युनिटीज इज नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द नोटिफिकेशंस इशूड मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली 1978 विद इन ब्रैकेट 3 SCR 272 is relied on to rubbish the contention of the object now declared of aiding affirmative action, which object is only an afterthought at the time of preparation of the counter affidavit. There is total absence of statement of such objective in the notification itself, and what had not been thought of or stated at the time the decision was taken to initiate a caste-based survey cannot now be supplanted as an objective by way of a counter affidavit. Para. It is vehemently argued that any individual has the right to choose or renounce his caste, and there is no justification or legitimate aim as disclosed from the notifications to profile an individual on the basis of his caste, religion or income. Shafeen Jahan versus Ashoka 2018-16 SCC 368 is relied on to argue that the constitution recognizes the liberty and autonomy which inheres in each individual, and this includes decision on aspects defining one's person. There can be no enumeration of the required details as is permitted under the guidelines either from the head of the family or from neighbors and persons of a locality, which would not be accurate and would also violate the right to define oneself. Patna High Court CW JC number 5542 of 2023 dated 1 August 2023, which inheres in the right to privacy. Para. The power to carry out a census, especially of caste, religion and monthly income, can only be traced to entries 1969, 81 and 94 of the Union List under Schedule 7 of the Constitution. Entries 20, 23, 24, 30 and 45 under the concurrent list as relied on by the state can be resorted to only insofar as it does not impinge into the field exclusively reserved for the Union Parliament. The distinction of census and survey is specifically urged to further impress upon us that the exercise attempted is in measure and effect a census, thus impinging upon the exclusive power of the Union Parliament. चलिए ये डिक्टेशन है 8 मिनट की और 720 वर्ड्स हैं, 90 की एवरेज स्पीड है, कहीं कहीं पे स्पीड थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगी, कहीं कम मिलेगी, तो ये एवरेज स्पीड 90 है एग्जैक्ट, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड होती है, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है और कभी नहीं भी होती है, बट आपको हर तरह के डिक्टेशन से फैमिलियर होना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और जस्ट कुछ सेकंड का, और फिर नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ चलेंगे जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट की पीए की एग्ज़ाम की, और लीगल पैसेज रहेगा 100 WPM 5 मिनट 500 वर्ड। सो अगेन बी रेडी फॉर द डिक्टेशन, स्टार्ट। इट इज आल्सो अर्ज्ड दैट द रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ए सिटीजन इन सो फार एज एंश्योरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा कलेक्टेड एंड प्रोवाइडिंग फॉर इट्स सिक्योरिटी आर नॉट अवेलेबल इन द प्रेजेंट एक्सरसाइज।
द स्टेट विच इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टर्नड इट्स माइट अगेंस्ट द सिटीजन टू कलेक्ट डेटा फोर्सिबली एंड सरेप्टिशियसली दस इन्फ्रिंजिंग अपॉन द सिटीजन्स वैल्यूएबल राइट टू प्राइवेसी आइडेंटिटी ऑटोनोमी एंड डिग्निटी. इट इज समड अप दैट टू अपहोल्ड द एक्सरसाइज एज लीगल देर शुड बी कॉम्पिटेंस इन द स्टेट एंड इफ कॉम्पिटेंट देन ए वैलिड लॉ शुड बी इन एग्जिस्टेंस अंडर विच द एक्सरसाइज कैन बी कैरिड आउट मोटिवेटेड बाई ए लेजिटिमेट गोल और एम विच हैज पटना हाई कोर्ट सी डब्ल्यू जे सी नंबर 5542 of 2023 dated 1 August 2023 to be judged under the highest standards of scrutiny. If such a legitimate aim or goal is available, even then there should be narrow tailoring to ensure that nothing beyond what is necessary is done by the state. Again, if there is an alternative method available, which in this case the state has by way of appointing commissions to aid the affirmative action, such alternatives have to be resorted to rather than involve in an exercise leading to infringement of fundamental rights. Further, the test of proportionality necessarily has to be satisfied, and in the present case there can be no balance found to sustain the arbitrary action clearly leading to infringement of fundamental rights without any declared purpose or goal. The lack of security also assumes importance insofar as the state, having not placed anything on record to indicate any audit having been conducted for ensuring the protection of the data collected. Reference is also made to a notification issued by the state government, which the state government itself relied on before the Honorable Supreme Court, wherein prescribed action was threatened in case of deliberate wrong information being supplied by any person. This assumes relevance especially in the context of the state having not directed the enumerator to collect the information required at the survey from the individuals. Patna High Court CWJC number 5542 of 2023 dated 1 August 2023 themselves and goes against the assertion of the disclosure in the survey being voluntary. Para Shri Abhinav Srivastava, learned counsel appearing for some of the petitioners, adopted the arguments already addressed and assailed the impugned survey primarily on lack of legislative competence, disregard of the right of the right to privacy, which is also enshrined in Article 21 of the Constitution, and alternatively the absence of a legislation sanctioning such survey. It is specifically argued that Article 162 only extends to the legislative power conferred on the state, and insofar as caste census is concerned, there is absolute lack of it. The object of the exercise exerted by the state to further the development of the downtrodden communities is a mirage thought in at the second phase of the exercise. For identification of other backward communities or the extremely weaker backward communities, there is sufficient power available with the states under Articles 15 and 16 of the Constitution of India. चलिए, ये स्पीड थी 100 की फ्लक्चुएशन की, और
थोड़ा कहीं ज़्यादा मिलेगी आपको 100 से, थोड़ा कहीं बिल्कुल मिलेगी एक्यूरेट और कहीं कम मिलेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जहाँ भी फ्लक्चुएशन आए वहाँ पे अपने जो माइंड है उसको एकदम से स्टेबल रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से हम कई बारी, या कोई एक भी वर्ड ऐसा आ गया जहाँ हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो वहाँ हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम डिक्टेशन लिखने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, एसपीए की, और ये रहेगी 110 WPM। और आप चाहें तो बीच में डिक्टेशन को 1-2 मिनट का पोज दे के फिर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रोक रोक के बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जहाँ डिक्टेशन लिख लें, या तो उसको ट्रांसक्राइब कर लें, या फिर आप अगर लगातार लिख रहे हैं तो थोड़ा सा गैप अपने आप पोज दे के आप लिख सकते हैं। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डिक्टेशन। स्टार्ट। द एक्शन ऑफ द स्टेट इन कैरिंग आउट ए कास्ट सर्वे इम्प्यून्ड इन द प्रेजेंट बैच ऑफ रिट पिटीशंस एंड द विगरस चैलेंज रेज टू इट इन इट ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स इंटर एलिया ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय रीजन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी रिवील दैट डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू इफेस इट फ्रॉम द सोशल फैब्रिक कास्ट रिमेन्स ए रियलिटी एंड रिफ्यूजिज टू बी स्वेप्ट। पटना हाई कोर्ट CWJC नंबर 5542 ऑफ 2023 डेटेड 1 अगस्त 2023 असाइड विश्ड अवे और ब्रश्ड असाइड नॉर डज इट विदर अवे एंड डिस्पर्स इनटू थिन एयर। पैरा लर्नर्ड सीनियर काउंसल मिस अपराजिता सिंह इंस्ट्रक्टेड टू अपियर इन CWJC नंबर 5542 ऑफ 2023 लेट द आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स रेफरिंग टू एनेक्सर P1 नोटिफिकेशन डेटेड 6/6/2022 विच इनिशिएटेड द कास्ट सर्वे एंड द इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फॉलोड अप विद डायरेक्शंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एनेक्सर P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली एंड द गाइडलाइंस इशूड 3 एनेक्सर P4 नोटिफिकेशन। द लर्नर्ड सीनियर काउंसल रेज्ड ऑब्जेक्शंस स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द क्वेरीज रेज्ड अंडर द 3 हेड्स ऑफ रिलीजियन कास्ट एंड मंथली इनकम। रिलायंस वॉज प्लेस्ड ऑन दिस केस टू पॉइंट आउट दैट दीज 3 aspects आर वेरी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन विच डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑटोनोमी डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन जस्टिस स्वामी वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली डेल्ट विद दीज aspects एंड हेल्ड इट टू बी sacrosanct, द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ विच वुड ऑल्सो फॉल फाउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू प्रिजर्व फंडामेंटल राइट्स। पटना हाई कोर्ट CWJC नंबर 5542 ऑफ 2023 डेटेड 1 अगस्त 2023 एंड नेवर टू बी इम्पिंज्ड अदर देन बाय वे ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कन्फर्मिंग टू स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ स्क्रूटनी द स्टेट बाय द अबव सर्वे कंडक्टेड एमंगस द रेजिडेंट्स ऑफ बिहार is imposing a caste status on every citizen whether he desires it or chooses to distance himself oblige herself from it. The guidelines at annexure P5 are specifically read out which depict the manner in which the details are to be obtained from the individuals through the government officers called the enumerators. In collecting the details of religion, there is a specific option to be counted as not falling under the enumerated 6 religions who will be classified under the heading other religion and event those who express no religious beliefs to be classified under the head no religion. Such an option is not available insofar as the caste status and it is specified that under no instance the mother's caste will be recorded. This brings in a situation where even a person who does not
nurture any religious belief would be classified as a person belonging to one or other caste, which can only be that of the father. As far as monthly income is concerned, there is an estimation possible of the total income received by the members of the family in the whole year divided by 12 months, which it is argued is quite artificial and not the real income derived by an individual. It is argued that the Patna High Court CWJC number 5542 of 2023, dated 1 August 2023, survey as it is intended would be completely out of focus, and there would be no possibility of verification of any of the details supplied by the individual citizen, especially in matters of religion, caste, and monthly income. It is specifically argued that the power to carry out a census is exclusively on the Union Parliament, as provided under Article 246 of the Constitution of India, read with entry 69 of List 1, 7th Schedule. चलिए, ये स्पीड है 110 की. फ्लक्चुएशन आपको तीनों डिक्टेशन में मिलने वाली है, और कहीं एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो गया हो तो आप उसको थोड़ा सा जज कर लीजिएगा, हो जाता है कई बार. चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके जितने भी साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, वंदे मातरम.